सीबीआई के दो सबसे बड़े अफसरों के बीच जारी विवाद और तूल पकड़ता दिख रहा है। यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका दी। राकेश अस्थाना ने दलील दी कि एक आरोपी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। राकेश अस्थाना को थोड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को नोटिस जारी कर राकेश अस्थाना के लगाए आरोपों का जवाब देने को कहा है। मंगलवार को सीबीआई ने अपने ही विभाग के डीएसपी देवेंद्र कुमार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। देवेंद्र कुमार पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मामलों में कारोबारी सतीश सना का बयान दर्ज करने में गड़बड़ी का आरोप है।